हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उपाध्याय बी 2929 पर। आज हम बनाने वाले हैं स्मूदी फ्रूट्स के, और देख सकते हैं मैंने फ्रूट्स में लिया है कीवी, ब्लैक अंगूर और हरे अंगूर ले रखे हैं। तो डायरेक्टली अगर 2 साल के बच्चों को दोगे तो वो पाचन नहीं कर पाते हैं, तो ये साथ में बेबी और मेरे लिए है। इसके लिए मैंने लिया है हनी, क्योंकि इसमें शुगर ऐड करना, मतलब अगर आप डाइट प्लान में हो, हेल्दी वे में कुछ खाना चाहते हो तो आप इसमें हनी ही ऐड करिए, और फ्रूट्स आपके पास जितने अवेलेबल है वो ले सकते हैं। मेरे पास यही है, तो मैं कीवी, काले अंगूर और हरे अंगूर लूँगी। इसमें मैं 1 स्पून इसमें हनी ऐड कर दूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे। और देख सकते हैं मैंने ले लिया है फ्रूट्स वगैरह, और हनी भी मैंने इस पर ऐड कर दिया। और आप देखिए गाइस, स्मूदी बन के बिल्कुल रेडी है। इसके लिए मैं लूँगी 2 ग्लास, और इसमें मैं डाल दूँगी स्मूदी को। और मेरी डॉटर वैसे डायरेक्टली फ्रूट्स नहीं खाती है, और मुझे भी डायरेक्टली फ्रूट खाना नहीं पसंद है। तो आप हेल्दी वे में कुछ चाहते हैं तो ऐसे ही स्मूदी बना के पिए, बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है, और हेल्थी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसमें शुगर भी ऐड नहीं किया है। तो अगर वेट लॉस में भी आप लोग हैं तो आप इसे मतलब पी सकते स्मूदी बनाकर। मैं अपनी डॉटर को कैसे पिलाती हूँ देख लीजिए गाइस। तो पियो स्मूदी है। गिरेगा ना, गिरेगा डब्बी। मम्मी नहीं, हेलो गाइस, हमने कितना ये मम्मा ने स्मूदी बनाया। बोलो, मेरी डॉटर को डायरेक्टली फ्रूट्स खाना नहीं अच्छा लगता है, वो उसे जल्दी स्मूदी बना के दे दो तो बहुत अच्छे से खा लेती है। आई होप आप लोगों को टेस्ट कैसा लग रहा है। नया होगा गाइस, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।